हे चिकोस, मैथ्यू हियर। मेरे को नहीं पता आप लोग ये वाली वीडियो किस दिन पे देखोगे। एक्चुअली आज है इंडियन आंटी एपिसोड नंबर 10। एंड आज मैं थोड़ी सी बहुत ही मैं जोश में क्यों इंट्रो दे रहा हूँ, वैसे मैं बहुत ही सैड बात करने वाला हूँ आज आप लोगों से, क्योंकि मैं एक्चुअली एक इंट्रोवर्ट हूँ। एंड इंट्रोवर्ट्स की फीलिंग जो है बहुत ही ज़्यादातर मैच नहीं करती उसकी लोकेलिटी से। मैं किसी से बात भी नहीं करता तो मन भी नहीं हल्का होता, तो मेरे पास मतलब बात करने के लिए भी कोई है नहीं। तो मैंने सोचा ये वीडियो मतलब बनानी चाहिए यार, मेरे को थोड़ा सा दिल हल्का हो, कोई देखेगा। एक्चुअली इवन यहाँ पे भी कोई नहीं देखेगा, पर खैर जो भी है। पर नेक्स्ट टाइम मैं एक पैक्ट बना लेते हैं कि इसी टाइम पर रिलीज़ करेंगे, मतलब कोई स्पेसिफिक डे ऐसा कुछ करके, यानी कि या फिर शनिवार को। सब लोग मतलब शनिवार को हर कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि नेक्स्ट संडे होता है, या फिर हम सोमवार को डाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे सब लोग डिप्रेस्ड होते हैं क्योंकि काम पे जाना होता है सब लोग को, एंड मेरी वीडियो देख के और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे, तो उसी वजह से। एंड या तो फिर कोई और भी, कोई भी डे। मैं अभी एक्चुअली जो है काम पे जा रहा हूँ अभी, पता नहीं तुम लोग जब ये वीडियो देख रहे होगे पता नहीं तब मैं ख़त्म हो गया होगा कि नहीं। मैं घर से निकलता हूँ, यहाँ से मेरी डेस्टिनेशन एक्चुअली मैं नाके पे रुकता हूँ, वहाँ से हम लोग को वैन पिक करती है, फिर वैन से सीधा वहाँ तक जाते हैं हमारी डेस्टिनेशन पे। तो घर से वैन तक जाने का रास्ता जो मैं जाता हूँ, तब उसके बीच में एक घर आता है उस लड़की का जिसको मैं पसंद करता हूँ। मेरे को उसका नाम भी नहीं पता एक्चुअली, मेरे को मतलब कभी कभी मैं भूल जाता हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि मैं हर बार नहीं सोचता, लेकिन जब भी अगर वो बाई चांस भी दिख गई, और मोस्टली नहीं दिखती, मैं कभी भी जब भी मैं फालतू में मतलब बकचोदी करने जाता हूँ गाड़ी लेके, मम्मी कुछ लाना है, मम्मी कुछ लाना है, मम्मी बोलती होगी आजकल ये बहनचोद इसको क्यों मतलब काम करने की जल्दी इतनी ज़्यादा, एक्चुअल रीज़न उन लोग को भी नहीं पता। मतलब गलती से भी अगर वो दिख गई फिर उसका ही मुंह आता रहता है। अब दिमाग तुम्हारा, तुम फिजिकली पता है यहाँ पे मैं हूँ अभी, लेकिन दिमाग मेरा अभी भी वहाँ पे ही है एक्चुअली। मतलब काम में मन नहीं लगता, सच बताऊँ तो घर जाने का मन करता रहता है, वैन आलिया भट्ट बन जाता हूँ मैं। पर समझ ना, मतलब मैं वहाँ पे कुछ किसी कुछ थॉट्स शेयर भी नहीं कर सकता सच बताऊँ, क्योंकि उन लोग के जो टॉपिक पे वो लोग बात करते हैं उससे मैं और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। मेरे को यार अभी वैसे भी सिचुएशन ही ऐसी है कि मतलब तो घर वालों से तो बात ही कैसे करोगे इसके बारे में, मतलब हाँ सच बताऊँ। एंड अभी जैसे कि तुम अभी कुछ करीबी दोस्त से बात कर सकते हो इसके बारे में, हाँ हाँ ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं, दोस्ती तो नहीं है यार, दोस्ती तो नहीं है सच बता दो। यूट्यूबर होने का वही डाउन साइड है, तुम्हारे दोस्त बनते, तुम्हारी सोशल लाइफ किल हो जाती है अगर तुम यूट्यूबर बनते हो तो। नहीं यार कोई बात करने के लिए नहीं है सच बताऊँ तो, चुप चुका हूँ मैं सच बताऊँ तो। नहीं पता यार, मेरे को नहीं पता यार क्या करते हैं सच बताऊँ तो। घर तो है उसका पास में, लेकिन इतना भी ज़्यादा पास में नहीं है यार, मतलब किस किस रीज़न से जाऊँ मैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे अगर देखो, हमारे यहाँ पे यही बकचोदी चलती थी, अगर कोई लड़का या फिर कुछ भी दो तीन लोग आ रहे हैं गाड़ी पे और बार बार मतलब आने जाने कर रहे हैं, तो लोग डाउट करने लग जाते कि हाँ इसका कुछ चक्कर है, ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। तो कितनी बार भाई पेट्रोल के प्राइसेस पता है यार, मतलब नहीं यार मेरे को नहीं पता यार, मेरे को नहीं पता आज मैं जा पाऊंगा कि नहीं काम पे। वहाँ का एक एक सेकंड एक एक साल के बराबर है, और वहाँ पे 12 घंटे काम करना होता है हमें, तो बाय चांस अगर वो दिख गई। इवन अभी तो मेरे को अभी से ही लग रहा है यार कि शाम को फिर से जाना है यार, 8 से 8 बजे तक, 8 से 8 भी नहीं, 7 से 9, 7 से 8 तक, 13 घंटे। मतलब तुम खुद सोचो तुम मैं कैसे निकालता हूँ 13 घंटे। मैं जब भी गाड़ी लेके जाता हूँ वैसे वैसे मतलब बकचोदी करने, तब मेरे को नहीं दिखती हो, पता नहीं वो घर के अंदर ही होती है। अब मैं लड़का होकर घर के बाहर नहीं निकलता, तो फिर लड़की होते तुम लड़की होकर तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर तुम समझ रहे मतलब इससे चीज़ को, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन इग्नोर भी तुम कितने टाइम तक करोगे यार। मैं फिर भी सोचता हूँ कि मैं तो अभी यहाँ पर ही हूँ, ना ही मैं अभी घर जाने वाला, ना ही कुछ होने वाला है अभी, तो काम पे ही ध्यान देते हैं। मैं काम पे ही ध्यान नहीं लगता, बहुत ही मतलब अंदर से दर्द होता है कि मैं एक्चुअली
मैं अपनी एग्जिस्टेंस को डाउट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं ये, मैं हूँ, मैं क्या करना क्या चाहता हूँ, मैं आया क्यों हूँ यहाँ पे, ऐसा होने लगता है मुझे। मतलब समझ में नहीं आता कुछ भी यार, सच बताऊँ तो। और वो जॉब छोड़ भी नहीं सकता, नहीं तो मैं पीसी कैसे लाऊंगा। वही एक चीज़ है जिससे मतलब पीसी मिल सकता है मुझे, उससे भी नहीं मिलेगा, उसके आगे भी बहुत काम करना पड़ेगा। इवन अब तो कॉलेज भी जाना पड़ेगा क्योंकि 12वीं के रिजल्ट के बाद फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगी। एंड यूट्यूब भी यार, मेरे को नहीं पता यार, आर्ट पे ध्यान दें या फिर छोड़ो यार। वैसे मैं बोल भी रहा हूँ, वैसे कोई वीडियो देखने नहीं वाला, ना ही मेरे को कमेंट से सजेशंस मिलेंगे। नहीं पता यार, मेरे को सच में नहीं पता मैं क्या करूँ। अभी भी मेरे को वही चीज़ आ रही है मन में। इवन घर पे होता हूँ तो देखो, घर पे भी वही सेम ही फीलिंग रहती है, लेकिन घर पे तुम बात कर सकते हो, तुम्हारी मम्मी होती है, पापा होते हैं, घर के लोग होते हैं बेसिकली, तो तुम बात कर सकते हो उनसे। लेकिन वहाँ पे तो एक तो बेंच हो, वहाँ के बेंच सुपरवाइजर्स यार इतने गंदे गंदे काम देते हैं यार, गंदे मतलब कुछ वो मत समझना, मतलब बहुत ज़्यादा काम देते हैं कहने का मतलब। मेरे को नहीं पता यार इस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं। मैं सच में बहुत ज़्यादा, मेरे को हर बार जब भी मैं जाना होता है मेरे को, तब मेरे को ऐसी फीलिंग आती है यार कल से नहीं जाऊँगा, ये लास्ट दिन भर के आ जाता हूँ। ऐसे ऐसे करके मैंने 12 दिन निकाल दिए, लेकिन जब भी ऐसा, जब भी सुबह होने लगती है ना, कि जब भी घर जाने का टाइम, तभी पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगती है कि हाँ अच्छा था मैं आया, मैं क्या सोच रहा था यार रात को कि मेरे को नहीं आना चाहिए, मैं गलत था, अब मैं घर जाऊँगा, ऐसे ऐसी फीलिंग आती है। अब वो एक्चुअली होम सिकनेस है, पर मेरे दिमाग में अभी भी उसकी फ़ोटो मतलब घूम रही है एक्चुअली। तो जब भी मतलब ऐसे अगर याद भी आ जाए तो मतलब दिमाग यार वहाँ पे निकल जाएगा, सच बताऊँ तो मैं कुछ समझ में नहीं आता काम में। सच में यार मतलब जॉब में बिल्कुल ही टाइम नहीं निकल रहा, सच बताऊँ तो मैं, क्योंकि दूसरे मेरे दोस्त तो मतलब बातें करते रहते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, उन लोगों का टाइम तो वैसे ही निकल जाता है, उन लोगों को पता भी नहीं चलता होगा। पर फ़ोन भी मैं क्या ही देखूँगा यार, इवन फ़ोन यार इंटरनेट के बिना मेरे फ़ोन में कुछ नहीं है, कुछ एक्सेसिबल कुछ भी चीज़ नहीं है। वहाँ पे मतलब नेट डलवाया, 300 रुपये का नेट डलवाया, वहाँ पे टावर ही नहीं आते। नहीं यार मेरे को नहीं पता क्या करूँ मैं। तो आई होप सो आप लोग भी ऐसी, अगर फीलिंग्स मैं होप करता हूँ कि आप लोग भी ऐसी फीलिंग से नहीं गुजर रहे हैं। लेकिन अगर आप हो रहे हो तो मतलब कुछ सजेशंस बता दो यार कमेंट्स में, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। मैं भी उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि उसको अच्छे से रख सकूँ, फिर तभी तो अप्रोच कर पाऊँ, नहीं तो वैसे ऐसे ऐसे कोई दे देगा अपनी बेटी किसी को भी, मतलब लेजिट लग जाती है जॉब में, सच बताऊँ तुम्हें। मैं नहीं करना चाहता, बस एक बार पैसे आते हैं ना पीसी के, बस एक साइड छुरा तो एक साइड बंदूक है यार, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बीच में हूँ, दिन ही नहीं निकल रहा, सच बताऊँ दिन ही नहीं निकल रहा है। मेरे को नहीं पता क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन पे। मेरे दिमाग में अभी भी उसकी फ़ोटो घूम रही है, सच बताऊँ अभी मैं कुछ बहाना मारूंगा फिर से जाऊंगा, लेकिन वो नहीं मिलेगी मेरे को। जब भी उसके घर के आसपास भी होता है मेरे को बहुत ही मतलब चैन लगता है, सुकून लगता है, सच बताऊँ तुम्हें, कि हाँ काश काश देखने को मिल जाए, मतलब ऐसे होता है कि काश साथ में होते हो अभी, मस्त बैठ के बातें करते, जो भी चीज़ है। शाम को भी जब भी टेरेस पे आता हूँ अगर टाइम हो तो मस्त बैठ के सनसेट इन्जॉय कर रहे होते, जो भी चीज़ है, ऐसे ऐसे फीलिंग्स आती है। पता नहीं यार मेरे को नहीं पता कैसे डील करते हैं इस सिचुएशन से। एंड मेरे साथ एक बार हो चुका है, मैंने बहुत मेरी वीडियो देख लो, बहुत ही हार्ड मैंने मूव ऑन किया था, इसलिए मैं अभी से मेहनत कर रहा हूँ ताकि कुछ कुछ हो जाए, कुछ उसके घर वाले कुछ। पर मेरे को सच में नहीं पता यार कैसे डील करते हैं ऐसी सिचुएशन से। खैर यार वीडियो
बस शेयर कर दो यार अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर कोई देखेगा तो उसको अगर रीज़न मालूम है प्लीज़ यार बता दो कमेंट्स में, कुछ कुछ तो सजेशंस। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा अंदर से, अभी तो बिल्कुल नहीं लग रहा अच्छा इसी वजह से। एंड हाँ, दूसरी वीडियोस भी चेकआउट कर लेना अगर नहीं करी तो। हाँ यार, मिलते हैं।